बात है यार, चलो ना, क्या कर रहे हो? अरे एंजॉय कर रहे हैं भाई। अब तुम पिछले 2 साल से तो शिमला आए नहीं, तुम्हें क्या मालूम? देखती जाओ भाभी, इसका शिमला आने का गैप ना बढ़ता ही जाएगा। अरे नहीं कन्नू, देखना अगले साल गाड़ी में एक लड़की और होगी हमारे साथ। हाँ। इसकी गर्लफ्रेंड या मिसेस अविनाश है ना अभी? फिक्र मत करो नानी, एक बार शादी हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। छोटी सी बच्ची के दिमाग में भी पॉइजन भर दिया आपने। मैंने अभी तो कोई कंप्लेंट की है कि आप लोग क्यों ले आए मुझे अपने साथ? बचपन से लेके आज तक मैं सेम हिल स्टेशन पे आके पक गया हूँ, ऐसा कुछ बोला है मैंने? अरे नहीं बोला तो क्या, अब बोल देगा, तेरा क्या भरोसा? हाँ। नहीं नहीं बाजी, नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। जैसे बोर होगा ना चुपचाप निकल लूंगा वापस। अरे सिर्फ 7 दिन के लिए तो आए हैं यहाँ, चला जाऊंगा। हाँ पता है माँ, उसमें से 2-3 दिन ईमानदार से रुकने की कोशिश भी कर लूंगा। मामा मामू मत बनो, इतनी अच्छी जगह आप कहीं नहीं जाओगे। मिट्टी अच्छी तेरे लिए क्योंकि तू यहाँ सेकंड टाइम आ गई। मैं यहाँ 22nd टाइम आ रहा हूँ बेटा, उसके बाद भी अगर मुझे कुछ अच्छा लगा ना, प्रॉमिस मैं यहाँ रुक जाऊँगा। ओके थोड़ा रिलैक्स तो कर लेते हैं, लोग आते ही मार्केट पे अटैक करना जरूरी? तेरी तरह सब लोग हिल स्टेशन में सोने में ही आते हैं। आप लोग से ना बात करना बेकार। अभी मेरी जान, क्या हाल है भाई? सही ठीक है? ओके अच्छे से मिल ले यार। और शना ठीक है? हाँ अच्छा, मैं कैसा है तू? बढ़िया बढ़िया। तो तेरे लिए इस बार एक नई किताब मंगाई है। कौन सी? दिखा दूँ? दिखा। 100 ways to patao kameene. Well, this is my friend Abhi. Hi. And this is Rosalina, my girlfriend. फिर बात आगे बढ़ी? कहाँ बढ़ी यार, जब भी किसी लड़की को अपनी फीलिंग्स बताना चाहता हूँ बात दिल से निकल के गली में अटकी रह जाती है यार। लवली पार्टी या मैं कुछ बात मैं कह रहा था कि I really like your dress and also I love my country. Yeah, you can see that. नहीं कर पाया किसी लड़की को प्रपोज, कोई बात नहीं, अरेंज मैरिज करा देंगे। वहां तो कुछ बोलना भी नहीं होता, जो करते हैं घर वाले ही करते हैं। तू इतनी चिंता मत कर, जिस दिन मुझे मेरी होने वाली मिल गई ना, देखे ना मैं क्या बोलता हूँ और कैसे बोलता हूँ। देर लगा दी, कर क्या रहे ये लोग? नानी मैं छोटी नानी, चलो कहाँ चले? ऊपर चलो ना। राउनी हथौड़ी मांगने आई थी यार, तुमने तो ये फोटोशूट में ही डाल दिया है। चुनी चुनी सर पे डाल, एक एक अच्छा सा बोल दे ऐसे। ये लड़की कितनी सुंदर है ना। हाँ सोलू, ये तो बहुत ही सुंदर है। अरे हमारे अरविंद के लिए कुछ ज्यादा ही सुंदर है। तेरी दुकान तो मजे में चल रही है, कभी मेरे कैफे का नहीं सोच लिया कर? ज्यादा चल कुकड़ी बनने की जरूरत नहीं है, तेरा लोन का कैफे नहीं है, मेरे भी पैसे लगे उसमें। तेरे जैसे मुंह पर तो मुंह नहीं लगना चाहिए, ये ले खींच। ओ गॉड, ने ना मांगी का तो लगा ही नहीं। मांगी का देख, मेरे पास मांगी के लिए टाइम नहीं है, ये लास्ट टाइम फाइनल पोज। अगर हमारा भी आज इस लड़की को पटाने के लायक होता तो ये हमारे घर की बहू बन सकती थी। बहू क्या कह रही है? अरे दशहरी आम थोड़ी है, हाथ बढ़ाया और उठा लिया। अरे करो बात तो करके देखो। हाय बेटा। जी नमस्ते। तुम्हारी शादी हो गई क्या? जी नहीं, और मुझे करनी भी नहीं है। हेलो। हाँ जी, क्या आपका अंकल? अरे फॉल सीलिंग भी गिर गई। क्या फॉल सीलिंग? फॉल सीलिंग गिर गई। हाँ फॉल सीलिंग। अब वही रुको, मैं आ रही हूँ। राउंड जादो की तुम्हें देना मेरा फोटो।
आज मैंने सुबह तो दिल ने कहा ही मुझसे वल्ला वल्ला लगता है कुछ तो अलग सा है दूर मैं हुआ हूँ खुद से खिड़की पे चांद देखा आज मैंने सुबह तो दिल ने कहा ही मुझसे वल्ला वल्ला लगता है कुछ तो अलग सा है दूर मैं हुआ हूँ खुद से इश्क देख फीलिंग न्यू न्यू है ना जाने ऐसा क्यों क्यों है इश्क देख फीलिंग न्यू न्यू है ना जाने ऐसा क्यों क्यों है कोई मुझको जरा मैंने सुबह तो दिल ने कहा ही मुझसे वल्ला वल्ला लगता है कुछ तो अलग सा है दूर में हुआ हूँ खुद से एक ही रास्ता बाकी राहों से अब क्या मेरा वास्ता इस नजर में बसा एक ही रास्ता बाकी राहों से अब क्या मेरा वास्ता है मुझे इस पे चलते जाना है एक दिन उसको पाना सिंपल से दिल को उसकी जुल्फों में आप लोग जाओ मैं यहीं रुकूंगा What do you mean? You guys go, I'll stay back. अरे ट्रांसलेट मत कर हुआ क्या क्यों रुकेगा कुछ नहीं भाजी ऐसे बस मन नहीं कर रहा है अरे अभी हुआ क्या है कुछ नहीं माँ आप लोग समझ रहे हैं कि अभी क्यों रुकना चाहता जरूर रुको बेटा जरूर रुको भगवान तुम्हें इस बार लड़की को सही ढंग से प्रपोज करने की शक्ति दे लेकिन भाई वो है कौन पता नहीं क्या कौन क्या कोई नहीं है कोई नहीं तेरे फूफा जी अंग्रेजी में कहा करते थे अब मिष्टी अपने कान तो बंद करियो हैव सम बॉल्स जी 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 बोलिए पूरी कोशिश करूंगा बस चलो भाई अपना सामान रख थैंक यू इस बार लड़की पटाकर ही आना बाय माना कि आपका ऑर्डर बड़ा है हम होम डिलीवरी नहीं करते हैं हमारे बंदे कम हैं अब आप घर में अकेली हैं तो मैं क्या करूं नहीं आ सकता अरे बोला ना नहीं आ सकता अब मैं बदल चुका हूँ मैडम और ये मैंने विकास कॉन्ट्रैक्टर को अगर बाहर नींबू मिर्ची की तरह नहीं टांग दिया ना तो मैं काम डाउन इंटरव्यूज के लिए लोग आए हैं छह महीने से यहाँ पे काम चल रहा है तीन महीने पहले से लगाया तो गिरना भी शुरू हो गया और अब मैं क्या कर रहे हो तुम
दिखता नहीं तुम्हें। क्या कर रही हो नैना? काम कर, दो चार और भी गिरा दे। ए, 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 क्या कर रही हो नैना, क्या कर रही हो? हमें हमारे कैफे के लिए स्टाफ चाहिए जो टिककर काम करे। अगर तुम ऐसा करती रहोगी तो कौन टिकेगा यहाँ पर? ओके, इंटरव्यूज ले लेते हैं, आप पिक करके भेज दीजिए। नंबर वन जी आइए। भूख मुझे लग रही थी और मुझे ज्यादा एंजॉय तुम कर रहे हो। क्या हो रहा हूँ तो लाइफ में कभी पहले ऐसे दिन नहीं थे। एक और ले लो। नहीं, ओके ओके। शर्माओ मत, ले लो। ना नहीं, शर्मा नहीं रहा हूँ, तो सिर्फ शुरुआत है ना। डिनर तो ऐसे रोज कराओगे ना? अच्छा, आपको किसी ने कहा क्या कि आप हंसते हुए खराब लगती? नहीं, क्यों? तो फिर आप हंसते क्यों नहीं? मौके कम मिलते हैं। आपको एक बात बोलो, बुरा नहीं लगे तो? हाँ बोलो। आपने ये कैफे ठीक से नहीं बना रहे। What do you mean? नहीं, सी जैसे इंसान मंदिर जाता है पूजा करने के लिए, थिएटर जाता है फिल्म देखने के लिए, वैसे ही कैफे जाता है सिर्फ कैफे लाते पीने नहीं, कैफे सारी काफी सारी चीजें करने। कैसी चीजें? रोमांस, ब्रेकअप, रीडिंग, राइटिंग, मीटिंग, अलग अलग तरह के लोग आते हैं अलग अलग कामों से, है ना। कैफे ऐसा होना चाहिए कि बंदा दुनिया के किसी भी कोने से, उसे लगना चाहिए कि उसे बस यही आना चाहिए। मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? नहीं तो मैं हूं तो आपको सोचने की क्या जरूरत है? अब बस आप देखते जाओ कैसे मैं आपके इस नेशनल कैफे को ना इंटरनेशनल कैफे बना। ठीक है, आपका सवाल। थैंक यू अभी। माँ को समझा लेना, अगली बार अगर इसने मेरे कमरे में खिड़की से घुसने की कोशिश की तो या तो मैं पुलिस बुलवा दूंगा या इसको पागलखाने में भर्ती करवा दूंगा। सुबह से बस उनको एक बार देखने का मन कर रहा था। क्यों रही हो? वो मेरा जूता टूट गया। जूता टूट गया तो रोने की क्या बात है? जूते तो टूटते रहते, फिर जुड़ भी जाते।
नहीं, हर टूटी हुई चीज नहीं जुड़ती अभी। प्यार से जुड़ो तो जुड़ जाती है, और जो नहीं जुड़ती उस पर मिट्टी पाओ वो नहीं आ जाती है। हेलो, तुम मेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते अभी। अभी तो मैंने सिर्फ स्टार्ट किया है, अगर मैं चाहूं ना तो आपको कोई प्रॉब्लम ना छू भी ना सके। 5,000 की नौकरी के लिए तुम कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हो? ज्यादा कर रहा हूं? पहले पूरी सर्विस तो एंजॉय कीजिए, फिर डिसाइड कीजिए कि 5,000 को आपको 7.5 करना है कि 2.5। ओके, सो मिस्टर सर्विसमैन, यस, इस वक्त आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? इस वक्त आपके पैर बहुत हसीन है मोहतरमा, इन्हें जमीन पे मत रखिए और मैले हो रहे हैं। प्यार में पड़ा आदमी 2-2 घंटे तक चांद में क्या देखता रहता है? बस कर दे और गिर जाना है उसने नीचे। इसका प्यार ही 2-2 घंटे का होना जोगिंदर। दियो नैना, जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरे दिल में तुम्हारे नैनों का तीर लग गया। तुम सोच रही होगी इस जमाने में लेटर लिखने वाला ये दीवाना कौन है? एक मैं ही तो हूं, तुम्हारा सीक्रेट एडमायर। अभी उसको फेंक दो ना जरा। हाँ वो फेंको डस्टबिन में प्लीज। एक मिनट।
का काम पहले कर लो। हाँ कोई है इधर, बाद में। अब तू ना उठते हुए चैन ना सोते हुए खरा, लगता है ये दिल का दर्द तभी कम होगा जब तुम अपने होठों से मेरा नाम लोगी, जिस तरह मैं दिन रात तुम्हारा नाम लेता हूँ। yes. इस दिल में बस एक ही तमन्ना है, तुम्हारे नखरे उठाऊं, तुम्हारे गम भुलाऊं, तुम्हें हंसाऊं। डियर रुक मिनी, पता है ब्राउनी, मैंने मम्मा को वो लेटर इसलिए लिखा ताकि उनके ना दिमाग से तिलक का भूत निकल जाए और ये पतिव्रता और जन्म जन्म के साथ जैसे हैवी ड्यूटी थॉट से निकलकर वो रियलिटी की लाइट में आए और जो सच है उसे एक्सेप्ट करें। मैंने लेटर पढ़ के मुस्कुरा दी। हाँ यार, दिल से भी लगा लिया, मतलब इतनी खुशी उसके चेहरे पर मैंने कभी देखी नहीं है यार, सीरियसली। भाई तू मुझसे झूठ तो बोलेगा नहीं, पर फिर भी तेरी बात पे यकीन तो नहीं हो रहा मुझको। डियर रुक्मिणी, जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरे दिल में तुम्हारे नैनों का तीर लग गया। Excuse me, ये मेरा है, तुम अपना पढ़ो। अपना ही तो पढ़ रहा था। मेरे इमोशन भरे लेटर को अपनी माँ का मरहम बना दिया यार। It's okay यार, दुनिया में लड़कियों की कमी थोड़ी है। तूने यहां से जाने का डिसीजन लेके बिल्कुल ठीक किया। मैंने कब लिया? तू जा नहीं रहा? क्यों जाऊंगा यार मैं? बस सिर्फ धक्का लगाया है, चोट नहीं। कुछ फ्रेश स्टार्ट करूंगा ना यार, कुछ नया सोचूंगा। नहीं वैसे भी लेटर पढ़ के माँ का मूड तो बदल गया है। अब माँ खुश रहेगी तो ऑब्वियसली नैना भी खुश रहेगी, है ना? पर खुशी खुशी में तो सब ठीक हो जाता है यार। मेरी बेटी ने कहा है बुरा ही सही है, इसलिए मैं आज से बुरा ही बनने वाली हूँ। मम्मा, मैंने इतना बुरा बनने के लिए भी नहीं कहा था। ये देखो तिलक के डिवोर्स पेपर्स, इतने दिनों से इस अलमारी में पड़े थे, आज मैं खुद अपने हाथों से इन्हें निकाल कर इस टेबल पर रख रही हूँ। वाओ मम्मा, देखो। ये हुई ना बात। अब पता लगेगा टिक्कू के बच्चे को। और ये देखो, आज से प्रैक्टिस भी शुरू। ब्रावो मम्मा, आप बिल्कुल सही तरीके से बुरा बन रही हो। डिवोर्स के बाद मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ। बिल्कुल हमारे मुझे नहीं रहना है इस चिड़िया के साथ। बिल्कुल नहीं। ऑफ कोर्स दादी, आपको हम कहीं नहीं जाने देंगे। अच्छा मम्मा, आप जल्दी से पेपर साइन कर दो ना प्लीज। बिल्कुल नहीं, मेरे सीक्रेट एडमिरर मिलने के बाद। गुड मॉर्निंग कैप्टन अंकल, सॉरी मैं लेट हो गई। मम्मी सब ठीक है ना? जी मम्मी बिल्कुल। मॉर्निंग। अरे अकाउंट्स, आज अकाउंट्स कर लेते हैं ना, बहुत दिनों से नहीं किए। अकाउंट्स तो हो गए। हो गए? अब देखिए। मैंने सोचा कि तुमने किए हैं। नहीं तो कमाल है जी, वो एक्चुअली मैंने किए। अरे इसने किए? तुम्हें अकाउंट्स आते हैं? जी आते हैं, आपने कभी पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। अरे वाह वाह वाह, तारीफ क्या करूं मैं आपकी, वर्ड्स नहीं मिलते। इतने कम बजट में ऐसे होनहार बालक नहीं मिलते। नहीं
दुनिया का एक ही कॉमन फैक्टर है तगड़ा, हर भाषा में हो सकता है झगड़ा. गुड, दिस इज फॉर यू. अभी सो तुम्हें अकाउंट्स के साथ साथ चाइनीज भी आती है? जी आती, पर वो लोग जापानीज में बात कर रहे थे. तो तुम्हें जापानीज भी आती है? या 10-12 लैंग्वेजेस और भी आती है. एंड ऑफकोर्स मैंने पूछा नहीं तो तुमने बताया नहीं, है ना मिस्टर अविनाश? इससे पहले कि मैं पुलिस में इन्फॉर्म कर दूं कि मेरे कैफे में एक सीक्रेट एजेंट घुसा है, सच सच बताओ कि तुम कौन हो. सीक्रेट? सच बताऊं तो मैं अविनाश ही हूं. क्या राइट? सीक्रेट एजेंट तो नहीं हूं, पर एक सीक्रेट मिशन पे जरूर है. नहीं एक्चुअली मेरे घर वाले मुझे आज छोड़ के चले गए हैं कि जब तक शादी के लिए लड़की ना मिल जाए ना घर वापस मत आना. नहीं मैंने क्या सोचा ना किसी कैफे में नौकरी कर लेता हूँ, वहां तो इतनी लड़कियां आती जाती हैं, शायद किसी एक की नजर मुझ पर भी पड़ जाए. Unbelievable. तुम यही रुको, मैं अभी तुम्हारा फैसला करके आती हूँ. तुम इकट्ठा गए हो, इतनी सारी फॉरेन लैंग्वेजेस कैसे जानता है? इंटरनेशनल कैफे बनाना चाहता था ना, अब समझ आया मुझे. तुम्हारे बने बनाए नेशनल कैफे के आगे इंटर जोड़ देगा, बन गया इसका इंटरनेशनल कैफे. ना, ऐसे कैसे कब्जा कर सकता है? तो आपको क्या लगता है हा? कि मैं इसकी ये स्टूपिड सी मैं लड़की ढूंढ रहा हूँ जैसी बात पे यकीन कर लूं? नहीं, कैफे के कोने कोने तक घुस चुका है. सोचिए, रिसेप्शन, अकाउंट्स, किचन, और न जाने कहाँ कहाँ. आई एम टेलिंग यू कैप्टन अंकल, ही इज वेरी वेरी डेंजरस. नहीं बेटा, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है. तो आपको मैं क्या लगती हूँ? हाँ, मैं वो बिल्कुल नहीं हूँ जो ये मुझे बनाना चाहता है. इसके तो मैं अभी छुट्टी करके आती हूँ. आइए आप. Okay, so, Mr. Avinash, कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है. You are fired. ये मिस्टर क्या कर रही हो? हम तो दोस्त हैं ना? बिल्कुल नहीं. तुम वो नहीं हो जो तुम बनकर आए थे, और तुम वो तो बिल्कुल भी नहीं हो जिसको मैंने नौकरी पे रखना था. So you may please leave. मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? इस कैफे के लिए तो बेस्ट मैन मैं ही हूँ ना. इस कैफे के लिए क्या बेस्ट है वो तुम मुझ पर छोड़ दो तो अच्छा रहेगा. नेशनली सही, बट ये मेरा कैफे. डू यू गेट इट? तो मैं कौन से इसे अपने नाम पे कर रहा हूँ? अंकल आप ही नहीं कुछ समझा. क्या सोचे जा रही है? ओनर ने कह दिया कि तुम घटिया आदमी हो. वेल तो तुम्हें जानता तक नहीं. अरे ओके, एनीवेज तुम टाइम पर वेस्ट करो, आउट. ओके लिसन, मुझे कुछ नहीं पता और मुझे कुछ नहीं सुनना. वही मैं कह रहा हूँ, आपको कुछ पता ही नहीं है. किसी भी एम्प्लॉय को निकालने से पहले उसे 30 डेज का नोटिस देना पड़ता है. अब अगर ओपनिंग से पहले कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटना चाहते हो तो 30 डेज में तो झेलना पड़ेगा. नहीं तो अभी मैं चलता हूं, मैं कल आता हूं, है ना? ठीक है, सी टू मॉरो. सायोनारा. सायोनारा. नो, ये तो लॉ भी जानता है. मुझे ना ये बहुत पंगे वाला लगता है. कैप्टन अंकल, कैफे की ओपनिंग तक आप इसको कोई काम नहीं देंगे. डू यू गेट इट? कोई काम नहीं देंगे. हे कृष्ण मुरारी, मोहन प्यारे, कब तक यूं नटखट बन दूर दूर से आप मुझे सीक्रेटली एडमायर करते रहोगे? सामने आओ, मेरे जीवन में आओ. पत्र का उत्तर शीघ्र ही दे देना. तुम्हारी रुक्मणी. पंडित जी. ओम प्रेम पत्रम समर्पयामि. क्या हो रहा है? नैना, पंडित जी का कहना है
वो दूर दूर से मुझे प्यार करता है, सामने आने से शर्माता है। कोई होगा तो शर्माएगा ना। नैना तू बैठ ना और पंडित जी की बातें सुन। ये पंडित क्यों मेरी माँ को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे? क्या प्रॉब्लम क्या है तेरा? हाँ पंडित को क्या प्रॉब्लम होगी, पंडित के पास तो उपाय होता है। ये देखो कर दिया उपाय, रुक्मिणी जी ने प्रेम पत्र सीधा भगवान को लिखा है। अब बंसी वाले ऐसा चक्कर चलाएंगे सब कुशल मंगल हो जाएगा। पंडित जी कुशल मंगल नहीं, पत्र का उत्तर चाहिए। कल आएगा। कल? क्या बकवास कर रहे हो, कुछ नहीं आएगा। आएगा मम्मा, कुछ नहीं आएगा। नहीं आएगा तो मैं अपने साथ कुछ कर लूंगी। प्रेम पत्र का। जब तक वो लेटर नहीं आएगा तुम क्या वहीं खड़ी रहोगी? मैं उठूं बैठूं नाचूं गाऊं ये मेरी मर्जी, तू जा अपना काम कर। बोला ना जाओ। गुड मॉर्निंग कैप्टन अंकल। गुड मॉर्निंग। चल। थैंक यू। मत कर। क्या हो गया? कर रहा हूं मैं, ये काम मेरा है। अरे स्टॉक का काम है, मैं कर रहा हूं। मैं पहले से कर रहा था, सब बहुत पॉच हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। अरे मैं बोल रहा हूं ना, कितने केक्स आए मुझे मालूम है, तुम्हें क्या मालूम है? ठीक है कर लो आप फिर। कर तो रहा था मैं। क्या हो गया सुबह सुबह? फ्रेश है ना? अरे यार मत कर मत कर मत कर, ये भी काम तेरा नहीं है, ये काम मेरा। ये अरे, मुझे अरे मुझे मालूम है कार चले कहा नहीं रखने, तुम क्यों लेके आया? रख लो आप पे। रख तो रहा हूं। हार्ट अटैक आ जाएगा। दावत इन दोनों की चल रही है, मुर्गा मेरा कट रहा। अरे यार अरे मत मत चढ़ मत कर, मत कर मत कर मत कर मत कर मत कर मत कर कुछ मत कर। क्या हो गया है? अरे मैं तुम कैसे समझाऊं, मेरी नौकरी का सवाल है। कुछ मत कर कुछ मत कर। वैसे भी तू थका हुआ लग रहा है, देख तूने इतनी मेहनत की है, इस कैफे को तूने कहां से कहां पहुंचा दिया है। देख देख क्या कर लूंगा। यू नीड रेस्ट रेस्ट प्लीज लिसन टू मी। कम I'm coming, move. Come slowly, come, come. La la la, la la la. Good morning. Good morning. La la la, la la la, la la. ये क्या हो रहा है? 30 दिन तक झेलना पड़ेगा इसको. La la la. आप एक बार कैब. La la la, la la la. ऐसी हरकतें करेगा ना कोई तेरे लिए कुछ नहीं लाएगा। करता रहे ला 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 ला। क्या हो रहा है? रिलैक्स लेना, कुछ लोग जो सोचते हैं उसे पाते हैं और कुछ ऐसे लूजर होते हैं जो सिर्फ अपना वक्त गंवाते हैं। तुम इसमें ध्यान मत दो। वो तो ठीक है पर एटलीस्ट आप तो अपने काम पे ध्यान दीजिए। क्या हुआ? ये कैफे के इनवाइट्स कब से पड़े हैं पोस्ट करने के लिए? एनीवेज आप इनको पोस्ट कर दीजिए। एक मिनट मेरी बात सुन ना। क्या? अरे गुस्सा नहीं, सॉरी ना, सॉरी 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 का मेरा एक छोटा सा काम है। अच्छा काम करो। अरे यार मेरे लिए ये हमारे कैफे की ओपनिंग की इनवाइट्स है, इसको स्पीड पोस्ट कर देना प्लीज। क्या घटिया काम दे रहे हो? अरे काम काम होता है और तू ही बोल रहा था काम करना है काम करना है काम करना है, प्लीज मेरे लिए कर देना। ये और ये उसका पैसा पैसे है मेरे पास, आके हिसाब देता हूँ।
wanting Pong about you. There is something wrong. पैसे ज्यादा है तो हमें दे दीजिए, तीसरी गली में टहलता हुआ जाऊंगा और स्पीड पोस्ट भी हो जाएगा। पास का एड्रेस है क्या? तीसरी गली में दूसरा मकान है। लड़का अभी आया, वो यहाँ काम करता है? कौन? अविनाश। ओ, अविनाश है उसका नाम? जी हाँ। अच्छा। अविनाश। नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है, इस उम्र में भी इतने अच्छे संस्कार। इसमें उम्र का क्या लेना देना? सच कहा तुमने, इन बातों में उम्र का क्या लेना देना। मम्मा, आती हूँ, जरा कैबिन में आ जाना। प्यारी सी लगती हो जब बन संवर के निकलती हो, सपनों में अब तुम दिन रात दिखती हो। लव लेटर किसी के सामने पढ़ना तो नहीं चाहिए, बट आपस की बात है, इस लेटर में ना पहले लेटर वाली पैशन नहीं है। फिर भी अविनाश क्या लिखते हो। ये अविनाश कहां से आ गया इसमें? अरे अविनाश ही तो है मेरा सीक्रेट एडमायरर। बकवास कर रही हो मम्मा? मम्मा नहीं, दीदी बोल दीदी। उसे पता तो होगा, फिर भी दीदी सुनने में कितना अच्छा लगता है। मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, आओ आओ। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे प्यास लगी है? अभी अभी बुलाऊं तो ठीक लगेगा ना? जो मर्जी बुलाइए। हाउ स्वीट। वैसे कब से तुम मुझसे कब से तुम यहाँ खड़े खड़े अपनी वर्किंग आवर्स वेस्ट कर रहे हो? हाँ, जाओ जाओ के कुछ काम करो, जाओ। तुमने तो मना किया कुछ काम करने से। हाँ तो अब कह रही हूँ कुछ कर लो, चलो कुछ काम ढूंढ लो, जाओ जाओ जाओ। मम्मा, वो मेरा एम्प्लॉय है, उसकी ये हिम्मत की वो आपको लेटर लिखे। I'm sure कुछ confusion हो रहा होगा हम लोग। There is no confusion, नैना। मैंने रॉय ब्लड को कितना प्यार किया और मिला क्या?
और इस आम आदमी ने तो मेरी जिंदगी बदल दी। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अभी जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता ना कि अविनाश ही आपका सीक्रेट एडमायरर है, तब तक आप प्लीज अपना ये ड्रामा बंद कीजिए और चुपचाप घर जाइए और ये घुंघरू उतारो और ये मेरे शूज पहन लो। चलो। हाँ हाँ जाती हूँ। तुम्हें खराब भी लग रहा है और शर्म भी आ रही है क्योंकि तेरी उम्र का लड़का मुझ पर तुम्हारा एम्प्लॉय है तो क्या हुआ, शाम को कैफे बंद होने के बाद मिलेगा ही। तब तक मैं जाती हूँ पिंकी के पार्लर संवरने के लिए। न्यू लुक बेबी। अभी 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 क्या हुआ? मैं और कपड़े नहीं बदल सकता, प्लीज। सॉरी। व्हाट? सॉरी, अंदर जो हुआ क्लास। सॉरी सॉरी। ओके। एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। से आई एम श्योर। बट बात कुछ पर्सनल है। हेलो नैना। हेलो मम्मा। कहाँ भगा के ले गए अपनी होने वाले पिताजी का? हाँ नहीं मम्मा, मैं ब्राउनी के साथ हूँ मम्मा। ब्राउनी तेरे साथ है? तो क्या मेरे साथ उसकी जुड़वा बहन है? अजू। हाँ भाई कहाँ? अरे अरे नैना कहीं शहर से बाहर लेके आई है, तो लगता है आज कुछ होने वाला है। क्या भाई, एक सेकंड होल्ड करियो, ठीक है? हाँ आप वापस बोल। मैं कह रहा हूँ लगता है आज कुछ होने वाला है। सच बेटा? माँ भाई खुशखबरी सुनाने कॉन्फ्रेंस लगा दी। अरे या अभी हम लोग भी वहाँ हैं, तुझे ये सब करते हुए देखते हैं। सुन तू एम्बैरस मत करो यार। भाई अब सब कुछ हो ही चुका है तो फिर किस बात की एम्बैरसमेंट। आ जाओ सोनू दीदी। झूठ झूठ सुन, तू बकवास मत कर, ठीक है? सुन मैं बाद में फोन करता हूँ। अच्छा सुन 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 सुन, टाइम मत वेस्ट करना हाथ पर पकड़ने में। हाँ उसे किस कर ही देना आज। ओके बाय बाय। चल बाय बाय। अभी कॉल मत करना। बाय बाय। अगर तू चाहती है कि मैं डिवोर्स पेपर पे साइन करूं तो इसके लिए मेरा अभी से मिलना बहुत जरूरी है। मामा आप गलत समझ रहे हो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बाद में समझाती हूँ। हेलो हेलो नैना। सॉरी मॉम, जैसा कि मैं कह रही थी प्लीज माना मत करना। पूछने से पहले हाँ कर दूँ तो तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। नैना इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रही हो? मैं हूँ एक्चुअली वो समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। वो आई मीन मेरी आई तुम भी आई नहीं ऐसा नहीं आई आई क्या भी बोल दो ऐसा नहीं हो जाएगा। यू नो व्हाट जस्ट से इट। ओके मेरी माँ को तुमसे प्यार हो गया। अभी तो मुझे शहर से इतनी दूर तुम ये कहने के लिए लाई हो? एक्चुअली हुआ ये कि मेरी मॉम बहुत डिप्रेस थी, यू नो आफ्टर सेपरेशन विद माय डैड। फिर एक दिन मुझे एक लेटर आया किसी सीक्रेट एडमायरर का। मैंने सोचा कि अगर मामा को ऐसा लेटर मिलेगा तो वो शायद अपने प्रॉब्लम्स भूल जाएं। जस्ट टू सी हर हैप्पी मैंने वो लेटर मामा को पोस्ट कर दिया। अभी लिसन प्लीज, सिर्फ कुछ दिनों के लिए एक्टिंग कर लो। जस्ट फॉर अ फ्यू डेज जस्ट प्रिटेंड कि तुम ही मेरे मॉम के सीक्रेट एडमायरर हो एंड तुम ही ने उन्हें वो खत लिखे। प्लीज
आई प्रोमिस दैट सही मौका मिलते ही, करेक्ट टाइम आते ही मैं मॉम को सब कुछ सच बता दूंगी। सिर्फ कुछ दिनों की बात है अभी, अभी जस्ट फॉर अ फ्यू, अभी प्लीज। तो रुकमणि ने कहा यहाँ आ जाओ, ठीक है मेरी बेटी का रेस्टोरेंट है। आप यहाँ क्यों आए हैं और इसे यहाँ लाने की हिम्मत कैसे की? बेटा मैं तुमसे मिलने नहीं आया, चार लोगों के लिए टेबल मिलेगा? आपको तो यहाँ ओपनिंग के बाद भी टेबल नहीं मिलेगा, एंड चार लोग, और किसे बुलाया? मैंने किसी को नहीं बुलाया, तुम्हारी मम्मी ने मुझे बुलाया अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाने की। कम डाउन नाउ, एक्सक्यूज मी। हाँ नैना, मैंने इन्हें बुलाया है। अभी से मिले बिना नहीं जाऊंगी, और फिर इनसे भी तो मिलवाना है। क्या कर रही हो मम्मा? ओके वेट, मैं आपको पक्का अभी से मिला दूंगी, बट इनको मिलाने की क्या जरूरत है? अरे जरूरत है, हम प्यार में पढ़ने वाले अब अक्सर एक ही जगह तो मिलेंगे, कभी पार्क में, कभी थिएटर में, कभी सनसेट पॉइंट। मैं नहीं चाहती कि हम चार बिना इंट्रोडक्शन के कहीं भी टकरा जाए, कितना ऑकवर्ड लगेगा। तो ये क्या कोई कम ऑकवर्ड है? करिश्मा आप भी सिट डाउन, हम जिससे मिलना चाहते हैं उसे भेजो जल्दी। मैं आपको कैसे समझाऊं, वो नहीं आएगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके हेलो, थैंक यू। हेलो हाउ डू यू डू? हेलो करिश्मा, फिर कॉपी प्लीज जल्दी। हाउ आर यू? फाइन अभी। हाय तिलक, तिलक कैसे हो? अच्छा, आई डोंट ब्लेम यू, ये है ही ऐसे। और सुनाओ करिश्मा, तुम कितनी साल की हो? 27। और अभी तुम? बस दीदी से एक साल छोटा, 26। 26 तिलक। करिश्मा कितनी पढ़ी लिखी हो? बीए किया है मैंने। बीए? बस अभी तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो ना, अरे बताओ ना। बहुत। तिलक तुमको कुछ पूछना है? हाँ, क्या नाम बताया तुमने अपना? अविनाश। अविनाश, ये जो शक्कर कितनी नहीं है? नो शक्कर नो दूध, मैंने कॉफी छोड़ दी है, रुकमणि जानती है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब आपकी एक और छोड़ी हुई चीज मेरी। नॉटी, क्या बात है। I'm really sorry guys, मैं थोड़ी सी पी रखी है, I'm sorry. No problem. क्या प्रॉब्लम? ऑफकोर्स तो थोड़ी सी और पी लेते हैं। नहीं वैसे आपको तो पता ही होगा आयरलैंड में तो ऐसी कॉफी पीते हैं, थोड़ा सा आपकी कॉफी को भी आयरिश बना। जहाँ तक मैं जानता हूँ रुक्मणि शराब नहीं पीती। जहाँ तक आप मुझे जानते थे उसके आगे तो मैं बहुत बढ़ चुकी हूँ। कम ऑन अवी, पोर मी अ शॉट। क्या करते हो? क्या नहीं सर, क्या क्या करता हूँ ये पूछिए। ये जिस चेयर पे आप बैठे हैं, ये जो अपने ऐसे हाथ रखे हुए हैं, जिस ग्लास से आप पानी पियेंगे और फिर जाके इसको जा निकाल लेंगे, इस सब का क्रेडिट मैं लेना चाहूंगा। इसी कैफे में काम करता हूँ, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता। ए वो क्या ना, आजकल किसी का प्रिंस चार्मिंग जो बना हुआ। अब सर क्या है ना, इतना अच्छा खजाना हाथ लग गया तो उसकी थोड़ी खुशी तो चेहरे पे चमक गई। नहीं रुकमणि बोलने में बहुत रुका हुआ है, बहुत लंबा। ओ देन
जब मैं तुम्हें अभी बुला सकती हूँ तो तुम मुझे मिनी क्यों नहीं बुला सकते? जरूर. एनी ऑब्जेक्शन? आपका पर्सनल मामला है, आप जो चाहे एक दूसरे को बुलाए. हमें क्या. थैंक यू. नैना, मैं हमारे बदलते रिश्ते को किस नाम से पुकारूं? ये मतलब रॉकेट की स्पीड से बदलता जा रहा है यार. थोड़े दिन पहले तक तो मेरी बॉस थी, फिर हम दोस्त बन गए. अब मैं तुम्हें क्या कहूं? बेटी. एक्सक्यूज मी, नैना को बेटी बुलाने का हक सिर्फ हमारा बनता है. नैना को बेटी बुलाने का हक मेरा भी है. वैसे ये डिसीशन हम नैना और अवि के ऊपर क्यों ना छोड़े? ठीक है भाई, आप लोग मिलकर डिसाइड कर लीजिए कौन किसको क्या बुलाएगा. डालिंग, हम लोग चलते हैं. कमा. वेट. ये डिवोर्स पेपर्स फिर से बनाने पड़ेंगे. पहले तो मैं साइन ही नहीं कर रही थी, अब तो खुशी के मारे साइन करती गई और करती गई. बहुत बुरा लगा ना तिलक को. हाँ, पर उन्हें बुरा लगा तो आपको भी बुरा लगा क्या? मुझे क्यों बुरा लगेगा, तुम जो हो. जी. क्यों, क्या हुआ? वो आज पहली बार वो कॉफी में शराब डाल के पी तो थोड़ी ज्यादा चढ़ गई. प्यार में क्या क्या करना पड़ता है मैं सब जानती हूँ. अच्छा, मैं चलती हूँ. गुड नाइट. गुड नाइट. बट नॉट गुड बाय. अभी आई एम रियली सॉरी. अंदर जो भी हुआ मैं नहीं जानती थी कि सिचुएशन. तुम्हारा काम हो गया ना अभी. आई नो ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था. तुम जानते नहीं तुमने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है. यू सच अ रॉकस्टार. प्रैक्टिस कभी छोड़ी ही नहीं. वैसे आप बड़े हैप्पी मूड में लग रहे हैं. क्यों नहीं. मेरे बॉयफ्रेंड अवि ने तो कल रात को तिलक की छुट्टी कर दी. बॉयफ्रेंड? हाँ. मम्मा, ये अविनाश के बारे में आपको पूरा यकीन है? क्यों, वो किसी और में इंटरेस्टेड है? अब नहीं, अविन मुझे क्या बताया इन्होंने. तो फिर मेरे मन में डाउट क्यों डाल रही है?
कहीं तू उसे प्यार तो नहीं करने लग गई? कौन मैं? हाँ मम्मा, आप जानते तो हो कि ये प्यार व्यार की बातों के बारे में मैं नहीं सोचती। प्यार कभी सोचा नहीं जाता है न समझा जाता है, प्यार तो बस हो जाता है। माँ, डेंगू और मलेरिया भी हो जाता है। हाउ अनरोमांटिक यू आर। जब कोई रात भर जागकर तुम्हारे सपने पूरे करे, जिसका नाम सुनते ही तुम्हारा दिल मचलने लगे, और दिल में दिवाले की लाइट्स जगमगाने लगे, जब कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगे, क्योंकि वो तुम्हारे साथ है। ऐसा कभी महसूस किया तुमने? हाँ, या नहीं, आई मीन कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ कभी नहीं, इसका मतलब हाँ। बताओ ना शर्मा मत, कौन है वो? मम्मा कुछ भी। अच्छा सुनो, अपने पापा का मैटर तो सॉल्व कर लिया? कर दिया। और डांस प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर ली? जी हाँ, शुरू कर दी। तो लाइफ ट्रैक पे आ गई? जी। अब हम लोग मिलके ये अभी का ट्रैक भी ना यही खत्म करते हैं। ये तेरा मेरी लव स्टोरी के साथ क्या लेना देना? ये ट्रैक अभी और मेरा है, तो उसने शुरू किया था। मम्मा अब किसने कब क्यों क्या शुरू किया अब ये सब भूल जाओ, इसको बस यही खत्म कर। ओहो, इनसिक्योर हो रही है मेरी बच्ची। अरे मम्मा तुझे भूल थोड़ी जाएगी, और देखना अभी भी तुम्हें बहुत प्यार करेगा। अब कुछ नहीं जानती। और बेटा तू मुझे नहीं जानती, अब तू बस मुझे देखती जाना, अभी और मेरी जोड़ी क्या रंग लाती है। यू जस्ट चिल बेबी चिल। फिर वो तुमसे नाराज है? अब उनकी फीलिंग्स के बारे में मुझे क्या पता? अच्छा, कहते हैं अगर बेटी चाहिए तो माँ को खुश रखना जरूरी है, अगर माँ पसंद है तो बेटी को खुश रखो, क्यों समझे ना? जी जी। तुम तो समझदार हो। बस सब कुछ सही जा रहा था, वही सब इधर उधर की बातें, फिर कांड हो गया। कांड? क्या हुआ? मामा, मामा, मामी के पास। क्या? Oh God. अब एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। मेरे प्लीज गुड न्यूज बताओ। मेरी फैमिली ने मेरी सो कॉल गर्लफ्रेंड का चेहरा नहीं देखा। और बैड न्यूज? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाला हूँ। बस सॉरी, नो आई मीन अब उसका चेहरा देखना चाहते हैं। ओके तो मिलवा दो। तुम्हारी भाव से मिला? माम की बेटी से मैं बन जाऊंगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड? Are you serious? तो क्यों, मैं तुम्हारे लाइक नहीं हूँ? No, nothing like that. I mean, मतलब हम दोनों बहुत क्यूट जोड़ी लगेगी हमारी। रुको मैं दिखाती हूँ।
देखो कितने क्यूट लग रहे हैं। मैं एकदम मैड सी और तुम मचो। अच्छा मैं कल ट्रेडिशनल पहनू? जैसा मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। हाँ हाँ फैमिली पहली बार देखेगी ना। हाँ तो अच्छा लगेगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा मैं एकदम लव में लगूंगी। मैं भी पर मैं तुमसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग करूंगी। एक्टिंग और नहीं तो क्या, एक्टिंग ही तो करनी है। तुमने मेरे लिए की, मैं तुम्हारे लिए करूंगी। या ऑफ कोर्स या एक्टिंग तो करनी है। अभी अगर उसे देख के मेरी आंखों में आंसू आ जाए तो तुम एम्बैरस नहीं होना। मेरे आ जाए तो आप भी एम्बैरस नहीं होना। वो पछताए मैंने तो खुशी में। But Abhi, I'm so proud of you. लेकिन वो है कहाँ? हाँ भाई, अरे है कहाँ वो? है ना? सोनू, ये वही लड़की नहीं है? हाँ माँ, ये लड़की तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही थी कि मैं तो कभी शादी नहीं करूँगी। हाँ? पर बेटा तूने इसे बता लिया? क्या बात बेटा वाह, ये लड़की तो पहले से ही अप्रूव्ड है। हाँ। अरे आज तो तूने सचमुच प्रूव कर दिया। हाँ अभी You really have some मामा, ये तो बाइक वाली लड़की नहीं है। नहीं मिस्टर, वही है। वो हेलमेट तो थोड़ी अलग लगती है ना। दूसरी ना बस। नैना, माँ, बुआ जी, सिस्टर, माय नीस, थैंक यू। अभी आप लोगों के बारे में इतनी बातें करता है कि लग ही नहीं रहा आज हम पहली बार मिल रहे हैं। अरे ये तो अभी ने मुझे रोक दिया है, वरना मैं तुम्हें अभी बता दूं कि हम पहले कब और कहां मिले। कुछ जो वही ऐसी बस मजाक करती रहती है। अच्छी लग रही। कैसे लगी माँ आपको मेरी नैना? इतनी खुशी तो मुझे तेरे पैदा होने पे भी नहीं हुई थी जितनी मुझे आज इसे देख के हुई। बेटा ये मैं नहीं ले सकते अभी। ये माँ, I think आप लोगों को भी लेट हो रहा होगा ना, निकलना चाहिए आप लोगों को। अरे अभी अभी तो हम लोग ठीक से पहुंचे भी नहीं है और तू हमें वापस भेज रहा है। नहीं वो कह रहा नैना को भी एक्चुअली वापस ले जाना है, वो इनकी माँ की तबीयत ठीक है ना तो। आई एम सो सॉरी बेटा। नहीं नहीं, शी इज ओके आंटी, इट्स फाइन। एक्चुअली वो इनके माँ का दिमाग थोड़ा प्रॉब्लम को बता है। पर अभी अभी इसकी माँ से तो मिलना ही पड़ेगा ना बेटा। क्यों माँ, क्या जरूरत है? अरे क्यों क्या, अरे भाई शादी की बात तो माँ तय करेगी ना। अरे मजी तय क्या करना है, मतलब आप अब हॉल बुक करो, हम पहुँच जाएंगे। तो अरे ये कोई योगा क्लास है, पहुँच जाएंगे। अरे भाई उसकी माँ ने भी कुछ सोचा होगा। माजी आप ना उनकी सोच पे ना ही रहो तो अच्छा बता रहा हूँ मैं, उनका दिमाग तो लगे। क्या हुआ अभी? नहीं मच्छर बसते हैं यार। मच्छर कीड़े। अच्छा बेटा तुम चलो घर। जी हम लोग कल शाम को चाय पे तुम्हारे घर आते। कल शाम को वो माँ तैयार हो रही हैं, अब आते होंगे। नहीं नहीं वो रेडी होने में टाइम लगता ही है ना, तो हम लोग बाद में जाते ना। चलो चलो आओ। अरे बैठ ना बैठ। बहुत शर्माता है। ये क्या शर्माना है? शर्माना देखना है तो हमारी रुक्मणी का भी। Thank you.
घटती भाभी बाप तो नहीं होगा ना। नमस्ते। नमस्ते। अभी प्लेट देना जरा लीजिए। थैंक यू जी। अब कैसी तबीयत है आपकी जी? मुझे क्या हुआ? अफीम कुछ कह रहा था कि सॉरी मेरे हाथ से ग्लास छूट गया। नर्वस? नर्वस तो मुझे होना चाहिए, लड़के वाले जो घर आए हैं। अभी तो हमें आपसे मिलने ही नहीं दे रहा था। अच्छा, शर्मिला है ना, शायद सरप्राइज देना चाह रहा था। सरप्राइज जी? हमें तो जब अभी ने अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया, हमारे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। पहले तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ, पर देखो ना ऊपर वाले की भी अजीब लीला है, हर किसी के लिए उसने कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही रखा है। जी जी। हाँ जी। मामा मैं मामी के पास बैठूं? हाँ आ जाओ बेटा। जा ना मिष्टी, पूछ क्या रही है, अरे पूरी जिंदगी अब तो तुझे उसके साथ बैठना है, जा जा। आजा। आजा मेरा बच्चा मिष्टी। हाउ स्वीट। सो कैसा लगा आपको हमारा अभी? स्मार्ट, हैंडसम, यंग, सो लविंग, इनके बारे में जितना कहूँ कम है। अजी हमारे परिवार में बस एक अकेला अभी ही तो है जिसने प्यार के फील्ड में इतनी बड़ी ट्रॉफी जीती है। ओ आप इस रिश्ते से खुश तो है ना? कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको इनकी चॉइस पर कोई एतराज तो नहीं? अरे एतराज कैसा, हमारे बेटे को तो सुंदर, सुशील और मैच्योर लड़की चाहिए थी जो मिल गई। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तारीफ तो आपके अविनाश की होनी चाहिए, जब से इन्होंने मेरा क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? नहीं नहीं कुछ नहीं। ये समोसा है क्या? अरे समोसे से तो एलर्जी है ना मुझे। समोसे से एलर्जी? कब से बेटा? बस वो पिछले महीने से शुरू हो गई। अच्छा, मैं ध्यान रखूंगी, इस घर में आज से कभी समोसे नहीं बनेंगे। आजा ले जा। थैंक यू। कैसे समोसे बनाए? चले फिर। हाँ हो गया। बैठो बैठो, मेन बात तो भी की नहीं। मैं आपके कहने का ही वेट कर रही थी, अपने मुंह से शादी की डेट फिक्स करने में थोड़ी शर्म आ रही है। कमाल कर रही है, अरे डेट तो आप ही ने तय करनी है ना। आप लोग कितने मॉडर्न थिंकिंग वाले हो, मैं कितनी खुश नसीब हूँ मेरा रिश्ता ऐसे घर में जुड़ा। मेरा रिश्ता भी तो जुड़ रहा है ना माँ। टेक इट इजी, डोंट गेट सो एक्साइटेड। तो जल्दी से तारीख फिक्स कर और दिल्ली आ जा, बहुत धूमधाम से तेरा ब्याह मनाएंगे। लड़की तो बड़ी खूबसूरत है पर ये माँ बेटी का कुछ समझ भी नहीं। एक मिनट, नैना नहीं जानती कि वो लेटर तुमने लिखा है, और रुक्मिणी ये सोच रही है कि वो लेटर तुमने उनके लिए लिखा। तुम्हारी फैमिली ये सोच रही है कि नैना तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, और रुक्मिणी ये सोच रही है कि वो तुमसे शादी करने वाली है, और तुम नैना से प्यार करते हो। लेकिन उसे तो मेरा प्यार समझ ही नहीं आता ना, बहुत बुरा फंसा। निकलने का कोई रास्ता नहीं? नहीं रास्ता है, इसलिए तो आज ही निकल रहा हूं। आज तो कैफे की ओपनिंग सेरेमनी है, ये आखिरी जिम्मेदारी भी अच्छे से निभा के जाऊं। गालिब डूबे मजनू डूबे, वाह जी वाह, डूबे कितने इश्क दी पतंग जिसने उड़ाई, कट गए उसके मांझे, समझे बांझे। सच सच पाड़ी में
कुड़ी कराई है सच सच पार्टी में कुड़ी कराई है थोड़ी सी टेस्टी है थोड़ी हाई पाई है स्वीट लग गई चली तो हीट लग गई मैं सोचा था तीखी है निकल के मैं नहीं तो और कौन प्यार का ट्रेलर मुझे दिखाया पिक्चर किसी और को दिखाओगे ऐसी बात नहीं है रुपमणि जी वो सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि मुझे सब कुछ छोड़ के जाना पड़ रहा है छोड़ के जाना पड़ रहा है या भाग रहे हो ऐसा ही समझ लीजिए एक्चुअली रुपमणि जी I'm really sorry, but मैं आपसे प्यार नहीं करते हाँ पर किसी और से तो जरूर करते हो पहली बार जब तुम तिलक से कैफे में मिले तो तुम कम से कम चार ड्रिंक पीकर आए थे दो तिलक को कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए और दो किसी को अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाने के लिए हाँ तुमने मुझसे प्यार का नाटक नैना के कहने पे किया राइट क्योंकि तुम नैना से प्यार करते हो आपको कैसे पता अब मैं तुम्हें क्या कहूं बेटी मम्मा
मुझे तो ये भी पता है कि इस वक्त नैना हमें छुप छुप कर देख रही है। मैं अपनी बेटी के कहने पर बहक जरूर गई थी, शायद मेरा उस वक्त बहकना ही ठीक था, लेकिन अब मैं पूरे होश में हूँ। मैं अपनी बेटी को नहीं बहकाऊंगी, मैं उसे ये नहीं बताऊंगी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अभी प्यार उसी से करना जो तुमसे प्यार करे, खुद से ज्यादा तुम पर एक बार करे। टेक केयर। अभी कहाँ जा रहे हो? वहीं जहां से आया था। मम्मा ने क्या बोला? उन्होंने कहा कि वो बहक गई थी, पर अब वो बिल्कुल होश में आ गई है। पर तुम क्यों ऐसे अचानक किसी को बिना बताए जा रहे हो? एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बहुत कुछ कहना था। नहीं, क्या कहना है ना? फर्स्टली थैंक यू, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, और सॉरी कि तुम्हें तुम्हारी ड्रीम गर्ल नहीं मिली जिसके लिए तुम शिमला आए थे। एक्चुअली मुझे वो मिली नहीं ना, मैं तो पहुंच नहीं पाया। छोड़ो ना, तुम्हारा कैफे खुल गया है, तुम्हारी मॉम भी ठीक हो गई है, सो चिल, सो डोंट वरी नाउ, बी हैप्पी इन लाइफ। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो हमारे बीच कुछ हुआ नहीं ना। नहीं, जो भी प्रॉब्लम्स हुए हमारे बीच, तो हमारे बीच सिर्फ प्रॉब्लम्स हुए। नहीं, आई मीन यू मी मॉम कंफ्यूजन, ये सब ना ये गलती वो स्टूपिड इडियट लेटर राइटर की है, सारे प्रॉब्लम्स यहीं से स्टार्ट हुए। या अभी अभी लिसन, अभी चलो तुम्हारा ये प्रॉब्लम भी खत्म कर देते हैं, अब से तुम्हें कोई लेटर नहीं आएगा नैना, तुम्हारा वो स्टूपिड इडियट लेटर राइटर जा रहा है। मिलते हैं जो प्यार में आंसू
रब जाने क्यों नहीं सुख तेरे दुनिया ये तेरी छूने लगी तो जीने से दिल मेरा डरता है मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार करदा है मुझे कैसे पता न चला गुड मॉर्निंग नैना. गुड मॉर्निंग. ऐसे लड़कों की तो न्यूज़पेपर में फोटो छपवानी चाहिए और न जाने कितनों का दिल तोड़ दे. मम्मा क्या हो गया आपको सुबह सुबह? हाँ अरे उस अविनाश के बच्चे ने तो पहले मेरे साथ फ्लर्ट किया उसके बाद तेरा दिल दुखा के भाग गया. उसने जो किया मेरे कहने पे किया पता तो है आपको. हाँ हाँ सब पता है. पूरी जान लगा दी उसने तुझे खुश देखने के लिए लेकिन हुआ क्या? अगर खुशी देने आया था तो ढंग से देता यहीं पड़ा रहता. इडियट आप तो उसके पीछे ही पड़ गए हो. आई एम ओके सी. पिछले एक हफ्ते से तुम मेरे कमरे में यानी मम्मी के कमरे में सो रही हो और वो भी चिपक कर. इतने दिनों से तुम मुझे संभाल रही थी अब मुझे संभालना पड़ रहा और वो भी एक चिट्ठी के लिए. क्या ना फ्रेंड के साथ कुछ डांस की रिहर्सल चले थे. एक सही मैं लग कैसा रहा बता. हाउ इज इट? काफी खुश लग रहा. खुशी का माना तो खुशी लगूंगा यार. पर तुम नो आई एम लाइक तुम कब आई? अभी जस्ट नाउ. थैंक यू सो मच यार. तो मेरी शादी हो रही है. आई स्टिल कांट बिलीव इट. पहली शादी है मेरी. अभी हाँ. वन मिनट ये शो शो कम. ये शादी तुम्हारी फैमिली ने फिक्स की है ना? तो कंट्रोल मैं जानती हूँ मैं अपने आप को बहुत स्मार्ट और क्लेवर समझती हूँ और मैं बिल्कुल बतू. तुमने मेरा कैफे कंप्लीट करने में और अकाउंट्स में हेल्प किया. मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि तुम कितने स्पेशल. नो इट्स नॉट ओके. इट्स नॉट ओके. अरे जब तुमने जापानीज में बात की मैं तब तुम्हें गूगल कर सकती थी. मेरे साथ थे पास थे एटलीस्ट तब मुझे तुम्हें महसूस कर लेना चाहिए था. बट यू नो आई लव यू. अगर तुमने एक बार मुझे आई लव यू कहा होता ना तो शायद उस वक्त मैं नाराज होती पर तुम्हारी फीलिंग समझ लेती. आज ये तुमने तो मतलब अभी भी मतलब गलती मेरी है. मेरी लाइफ में बस इतनी प्रॉब्लम है ना कि मैं कभी आया के आगे नहीं बोल पाया. और क्यों बोलूं मैं यार? जो होता है वो दिखता नहीं है क्या? वो दिखता है तो बोलने की जरूरत क्या है? नहीं रिसेंट डबल एमए पीएचडी के वो लड़का तुम्हारे कैफे में झाड़ू लगा रहा है. संडे गॉड किला छोड़ के तुम्हारी चिमनियां साफ कर रहा है और तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता. इनफ अभी. मेरी बेटी को कुछ और कहा तो
आई एम वार्निंग यू, इसने तुम्हें परेशान किया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बदले में आप भी इसे परेशान करोगे। हाँ तो आप ही बताइए क्या करूं मैं आपके बेटे का, इसे लव लेटर देता हूं तो ये फुटबॉल की तरह आगे पास कर देती है। और मैं कर ही क्या रहा हूं, मैं तो सिर्फ बक रहा हूं, जब से इसे मिला हूं सिर्फ मैं ही बक रहा हूं। आज पहली बार ये बकरी है और इतना भी नहीं जानती कि ये बकरी है, बकरी। और मैं एक एक नंबर का गधा हूं। नो नो रियली आई एम डोंकी। तुम्हें इतना भी नहीं बता सका कि मैं तुम्हारे कुछ भी बन सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे ना कहीं चैन नहीं है, ना शिमला में, ना दिल्ली में, ना दिल में। और इसीलिए आज मैं सबके सामने बोलना चाहता हूँ कि भगवान जी और रोनी पाल आई I love you. चिंग चुंग चोंग। वाह रुक्मिणी जी, आपकी चाल तो। अरे जल्दी करो इनकी शादी। तुम बात तो बताइए, ये जो अविनाश जी है हमारे दामाद जी, ये करते क्या है? अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है ना, उनके लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ओ वॉन चिंग पॉन्ग। अविनाश नैना, विश यू वेरी वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू सो मच सर। अब मैं निकलता हूँ बच्चे। अरे सर शादी का एक दिन तो बनता है। एक रुक्मिणी है। ये सर? हाँ। ये यहाँ कैसे? सर मेरी मदर इन लॉ है, नैनाज माँ। एक्सक्यूज मी, बैठिए। हाय। बाय। वर्षों पहले जब आप 18-20 साल की थी और माल रोड पर निकलती थी, लोग आंखें बिछा देती थी, दिल धड़क उठते थे, उनमें से एक मजनू हम भी थे। अच्छा, कई खत लिखे आपको। खत लिखे थे? जी हाँ, लेकिन अब तक पहुंचाने की हिम्मत नहीं हुई। और फिर एक दिन पता चला आपकी शादी हो गई। और सुना है आप शादी करके हमेशा दुखी नहीं? हाँ, आप मेरी पूरी खबर रखते हैं। इश्क किया है एक तरफा सही, लेकिन है बेपनाह। अच्छा तो रुक्मिणी जी, आपने अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचा है? सोचूंगी। ऐसा ना हो कि आप सोचती रह जाएं और हम किसी पानी की टंकी पर चढ़कर कूद जाए, फान जाए, मर जाए। सच सच पहाड़ी में उड़ीक आए।